ये सारा काम कहां कराएगा? पहले जो लोग आरक्षण नहीं दे रहे थे, जो दलील ले रहे थे, वो समाप्त हो गया और नीतीश बाबू ने एकल पद पर भी आरक्षण दे कर करके बिहार में कीर्तिमान स्थापित किए। अब देखिए तीन चुनाव हो चुका है, लोग धीरे धीरे इसको भूल जाएंगे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। जरा सोचिए कि पहले कितने लोग इस समाज के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ये निर्वाचित होते थे, बहुत ही कम लोग। और आज देखिए कि 20% का आरक्षण दो साल के बाद वो चेंज हो गया, अब 40% सीटों पर समझिए आरक्षण का लाभ मिल रहा, 20% पहले और 20% अब। आप समझ रही है कि जब पांचवा चुनाव होगा उस समय तक इस समाज के लिए 50% से ज्यादा सीटों पर आपका आरक्षण कर लाभ। और ये नवीन आदेश तो बराबर बोलते कि पांच चुनाव के बाद देखिएगा कि पूरा का पूरा बिहार की तस्वीर ही बदल जाए। पहले क्या होता था, अरे साहब किसी को टिकट देना है तो खोजना पड़ता था कि कौन जिला परिषद का अध्यक्ष रहा है, कौन प्रमुख रहा है, कौन किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा है। और आज आप देख लीजिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था पहले तो किया गया पंचायती राज में, और फिर जब शहरी निकाय में किया गया वहां भी आरक्षण दिया गया, तो आप देखिए नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर परिषद का अध्यक्ष, मेयर इस समाज के हो रहे हैं। और आज इसकी चर्चा हमारे सभी साथी कर रहे हैं। आप लोग एक मांग कर रहे हैं, आप बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं कि साहब हमारा है कोटा जो है वो विधानसभा में और लोकसभा में भी होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज मांग है। और हमारे साथी कह रहे थे कि अगर ये प्रस्ताव भेज दिया जाए तो हमारी ताकत बढ़ेगी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके नेता नीतीश बाबू पहले ही ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुके, करना भी केंद्र सरकार को है ना, इस आरक्षण के बारे में सोचना करना है। आपके नेता ने कर दिया है, उनकी सोच है। और इतना मैं जरूर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई जब चुनाव में आरक्षण की बात आएगी तो उसमें तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा प्रस्ताव है, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं लागू होता है तो हमारी पार्टी जनता दल यू इस बात का ख्याल रखेगी कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सब में जो हमारे नेता ने आरक्षण व्यवस्था किया है उससे कम सीट आपको नहीं। और ये बहुत जरूरी है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आखिर एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सोनेलाल जी ये नहीं है जो लोग बोलते हैं, ये अच्छा वोट तो नीतीश कुमार जी को दिए है ना, तो वोट नीतीश कुमार जी के नाम पर दिए है तो विधायक कौन है, मिनिस्टर कौन है? ये लोकतंत्र सशक्त तब होता है जब इसका पूरा का पूरा समाज में उसकी भागीदारी बढ़ती है। और ये भागीदारी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। तो आप आश्वस्त रहिए, तरह तरह की लोग बात करेंगे, आने वाले समय में खुद ही समाज में तरह नेतृत्व भर जाएगा कि आपको टिकट नहीं मांगना पड़ेगा, लोग खुद और खुद आपको टिकट देने के लिए आपके दरवाजे पर आएंगे। जरूरी यह है कि सब में एकता बनी रहे। बहुत सारे लोग आएंगे सोचेंगे कितनी बड़ी ताकत है बिहार में, सबसे बड़ी ताकत आपकी समाज की है, ये पूरा का पूरा जो जमात है उसकी है। तो लोग चाहें कि इसको किसी तरह से इसमें विकराल किया जाए, इसमें तोड़ा जाए, इसको फोड़ा जाए, जिससे कि आपकी ताकत कमजोर हो और उसका नाजायज फायदा उठाए। ये हमारा अपना कर्तव्य है। नीतीश बाबू ने जो काम किया, जो आपको ताकत दी है, उसके बदौलत अपने को भी मजबूत करिए, इस जमात को भी सशक्त करिए और बिहार को भी आगे लेकर चलिए, यही आपको संकल्प लेना। आप जानते हैं सब लोग क्या कहता है नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू कहे कहता। बिहार में किसी को नाम दिया था सुशासन बाबू, नीतीश बाबू का था सुशासन बाबू। इसका मतलब क्या है ये समझना चाहिए। सुशासन क्या चीज होता है? सरकार जो बनती है, सरकार की जो ताकत है
जो शक्ति है, जो संसाधन है, वो यहाँ की जनता के विकास में लगना चाहिए, यही सुखा। ये समझना बहुत जरूरी है। आपको सराज साहब बता रहे थे ना कि फोटो में नीतीश साहब का परिवार को ढूंढिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि हमारे बिहार में जो पूरे का पूरे आज 11 करोड़ लोग हैं, उन सब के बारे में हमको सोच रहे हैं, उन सबको हमको विकसित कर। तो ये हमारे नेता की सोच रखी कि पहला प्रदेश है बिहार जहां की समाज के लिए पहली बार अभी पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अभी देखिए दिल्ली में भी, ये जरा जान लीजिए आप सब लोग बैठे हुए, दिल्ली में भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 93 में हुआ था, आज से 25 साल पर। 25 साल गुजरने के बाद भी जो पिछड़ा वर्ग वहां है, वहां पिछड़ा में दोनों है कि पिछड़ा पिछड़ा दोनों है, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। सिर्फ एक ही अधिकार था, किस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है, किसको निकालना। अगर किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों की शिकायत होती थी और कोई कागज अगर देता था पिछड़ा वर्ग आयोग को, तो जांच के लिए और कार्रवाई के लिए कहा जाता था अनुसूचित जाति आयोग। समझ लीजिए, ये तो पहली बार हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं और हमारे नेता ने शुरू से इस पर दबाव बनाया। यार जो हमारा ओबीसी का जो हमारा वहां पर पूरा का पूरा हमारा जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी मांग किया है कि जैसे बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उसी प्रकार केंद्र में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए। और सरकारी नौकरियों में भी जो ओबीसी लोग, जैसे हमारे बिहार में NH1 है, NH2 है, उसी प्रकार से अलग से उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके नेता की यह सोच है, इतना बड़ा समाज जब तक इनको विशेष अवसर और विशेष सुविधा नहीं मिलेगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़े। और इसीलिए देखिए आपके नेता की सोच कि हमारे सब लोग शिक्षा की बात कर रहे थे कि सब लोगों को शिक्षित होना और खास करके समाज को। और नीतीश बाबू की क्या सोच है कि आगे आने वाले समय में केंद्र में केंद्रीय सेवाओं में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण मिलेगा। उस समय तक बिहार के हमारे जो भी पिछड़ा के हमारे युवक और युवती है सक्षम हो कि उसमें जो रिक्ति निकले उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे बिहार के बच्चे उसमें कम्पीट कर सके। और देखिए इसलिए हमारे नेता ने सिर्फ 12वीं क्लास तक कि समाज के बच्चे बच्चियों को पढ़ने की विशेष सुविधा नहीं दी, वजीफा नहीं दिया, बल्कि आगे भी जितने बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहती है सबको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा। आप जान लीजिए कि कोई भी बच्चा बीए पढ़ना चाहता है, बीएससी पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, मेडिकल पढ़ना चाहता है, पॉलिटेक्निक पढ़ना चाहता है, उस सबको 4 लाख रुपए तक हमारे नेताओं को सुविधा मुहैया करा रहे। और जरा समझ लीजिए कि कितनी बड़ी जो है धनराशि होगी। इस वर्ष 50,000 का हमारा लक्ष्य है, अगले साल 75,000 का है, उसके अगले साल 1,00,000 का है। तो ये बच्चे जब हमारे पढ़ लिख लेंगे तो नवीन आर्या जी क्या कह रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा अगर देना है उसको बीपीएससी में और प्रारंभिक परीक्षा देना है यूपीएससी में तो सबसे पहले उसको ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू ने ग्रेजुएट बनने की व्यवस्था कर दी। और ग्रेजुएट बनने के लिए अब जानते हैं बहुत सारे बच्चों को जब शहर में आते हैं कॉलेज में पढ़ना होता है, हॉस्टल नहीं रहता। आपके नेता ने देखिए सब जगह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हर एक जिले में हमारा पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, बहुत जगह बन गया है, बहुत जगह चालू हो गया। और आप देखिए वो बच्चे वहां पढ़े, इसके लिए छात्रावास में जितने बच्चे आते हैं सबको 1,000 रुपया हर एक महीना दिया जाए, उनके खाने के लिए भी 15 किलो अनाज दिया जा रहा है। ये नेता का सोच रखिए कि कॉलेज में पढ़ने के लिए उसको रहने में दिक्कत ना हो, गरीब बच्चों को हमारे दूसरा समाज बच्चों को तो हॉस्टल का कर दिया। अब बच्चे पढ़ रहे ग्रेजुएट कर लिए, उनको बीपीएससी की तैयारी करनी है, पास कर,
मुख्य परीक्षा लेनी होती है, तरह तरह किताबें खरीदनी होती है, कई जगह से कोचिंग की सुविधा लेनी पड़ती है, जो गरीब आदमी उसको पैसे का लाभ होता। देखिए अपने नेता की सोच, उन्होंने 50,000 रुपया बीपीएससी में जो प्रवेश पास करेगा उन बच्चों को हमारे अधिक्षा वर्ग के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया। अब आसानी से आपके बच्चे जो प्रवेश पास कर जाएंगे वो SBM बन सकते हैं, DSP बन सकते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे। दिल्ली में देखिए केंद्रीय सेवा है, UPSC में आपके नेता ने क्या किया कि अगर वहां पर बच्चा अधिपुत्रा समाज का प्रवेश पास करेगा प्रारंभिक परीक्षा तो 1,00,000 रुपया दिया जाएगा तैयारी करने में। आपको मैं बता दूं, जो प्रवेश परीक्षा पास करता है और जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें मात्र 2.5 महीने का समय बाकी है, और 2.5 महीने में बच्चा चीज तैयारी कर पाए उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, आपके नेता 1,00,000 रुपया दे। नीतीश बाबू की सोच देखिए, ये बच्चे पढ़ लेंगे फिर भी उस पास कर जाएंगे, उनको अलग से सहायता दे देंगे, और जब दिल्ली में केंद्रीय सेवाओं में भी अत्यंत पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था हो जाएगी, वैसी स्थिति में हमारे बिहार के ज्यादा बच्चे बच्चियां उस परीक्षा में भी पास करेंगे। ये हमारे नेता की सोच देखिए, जो आगे होने वाला है उसकी पहले से तैयारी है। ये सारा जो है हमारे नेता की सोच। आप देखिए बगल में लिखा हुआ है कि पढ़िए और आगे बढ़िए। पहले क्या था बिहार में, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे जरा गिनिए, कितने मेडिकल कॉलेज थे गिनिए, कितने पॉलिटेक्निक थे गिनिए। आज आपके नेता ने क्या निर्णय लिया है कि इस बिहार में 24 मेडिकल कॉलेज, इस प्रदेश में सभी जिले में 1-1 इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिले में 1-1 पॉलिटेक्निक, सभी जिले में 1-1 GLM स्कूल जिसमें ग्रेड एनर्स की पढ़ाई होती है, सभी जिले में 1-1 महिलाओं के लिए अलग से ITI की व्यवस्था, सभी जितने हमारे सब डिवीजन है उसमें AM स्कूल, सभी सब जिले में 1-1 पॉलिटेक्निक, ITI, सभी पंचायतों में हाई स्कूल। ये देखिए आपके नेता की सोच जरा देखिए कि किस तरह उन्होंने शिक्षा में व्यवस्था किया है कि हमारे बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े बल्कि यहीं वो पढ़ाई कर सके। पहले आता क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे। देखिए नेता की सोच है इस तरह की, वो तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बिहार में इस तरह का शैक्षणिक माहौल बन जाएगा, सरकारी क्षेत्र में भी उतने शैक्षणिक संस्थान हो रहे हैं तो निजी क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान हो रहे हैं। फायदा किसको होगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारा जो गरीब होगा, हमारा अत्यंत पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए चेन्नई जाना पड़ता था, पढ़ने के लिए त्रिवेंद्रम जाना पड़ता था, पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना पड़ता था, पढ़ने के लिए उनको कोल्हापुर महाराष्ट्र जाना पड़ता था, वो सब बिहार में ही पढ़ेंगे और उससे सबको पैसे की बचत होगी।